अपनी जमीन बचाने के लिए परिवार ने लगाई डीसीपी सिटी से गुहार। मामला न्यायालय में फिर भी हो रहा है निर्माण। भूमाफियाओं से अपनी जमीन बचाने के लिए एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस ने जब सुनवाई नहीं की तो पीड़ित डीसीपी सिटी के कार्यालय गुहार लगाने के लिए पहुंचा, जहां पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर अपनी जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग की। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला कंजरपुरा का है, जहां के रहने वाले पीड़ित राजकुमार ने बताया कि शमशाबाद रोड पर उसका खेत है, जिसका खसरा संख्या 684 व 685 है। खतौनी में प्राथी के बाबा ननिगा पुत्र नारायण का नाम दर्ज चला आ रहा है, लेकिन कुछ दबंग विनोद कुमार यादव, दिलीप कुमार, दिनेश कुमार यादव, ऋषि दुबे, राम सिंह ने एक षड्यंत्र के तहत उक्त जमीन में से 586 वर्ग गज व 205 वर्ग गज जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा अपने नाम करा लिया है और उस पर निर्माण शुरू कर दिया है, जिसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता इंदिरा देवी ने बताया कि उक्त जमीन पर उसका घर बना हुआ है, लेकिन दबंगों ने घर के दरवाजे के आगे से ही निर्माण शुरू कर दिया है, घर का दरवाजा बंद कर दिया है और जमीन खाली ना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विनोद कुमार यादव का पुत्र विकास व डब्लू यादव व हब्बू यादव का भाई विजेंद्र यादव एवं राकेश जादौन पुत्र फतेह सिंह निवासी शमशाबाद आगरा कुछ दिन पहले घर आए थे और कहने लगे कि ये जमीन हमारी है, अगर निर्माण रोकने की कोशिश की तो जान चली जाएगी। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद भी दबंग हथियार के बल पर उक्त जमीन पर निर्माण करा रहे हैं। ये जमीन लगभग 1 बीघा 15 विसे है। पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए इन भूमाफियाओं के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। पुलिस ने बड़े अधिकारियों से अब न्याय की गुहार लगाई है। बताना ठीक है जी, अपना नाम बता दो। क्या नाम है आपका? इंदिरा देवी बोल रही हूँ। हाँ। और हमारी, मैं यहाँ की लड़की हूँ, मेरा मकान पीछे बना हुआ, मेरा दरवाजा भी बंद कर दिया उन लोगों ने, मुझे मारा भी है, धमकी देते मारने की, मैं घर में से बाहर निकलने नहीं देते बिल्कुल। क्या हकीकत बात है? झूठ नहीं है, मेरी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है कोई। क्या कह देते हैं? थाने चौकी गए तो चौकी वालों ने कोई सुनवाई नहीं की, और थाने पे गए तो थाने पे कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कितनी जमीन गिर रही? जमीन तो 1.25 बीघा है, 1 बीघा 15 विसे। अच्छा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 3 दिन हो गया मेरे घर में कोई चूल्हा, बच्चे भूखे प्यास से झूल रहे मेरी। कौन लोग घेर रहे हैं? कुछ ठाकुर है, कुछ यादव है उसमें, सब लोग जबरदस्ती से मेरा सामने वाला बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ 35 साल से यहाँ पे मैं रह रही हूँ। मेरे बाप ने मुझे जमीन दी और योगी जी ने मुझे मकान दिया रहने के लिए, फिर भी मुझे वो चैन से रहने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। कौन? ये जादव ने, विनोद यादव है, राकेश जादव, विनोद यादव और टब्बू, दिनेश, दिनेश और तुम्हारा जे रमसो गोपाल, बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग हैं। अपना किस के नाम बताओ जी? अपना नाम नाम राजकुमार है मेरा। क्यों मिलने आए थे, क्या हुआ? हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा हो रहा, अदालत में केस चल रहा है साहब, फिर भी पुलिस वाले करा रहे हैं। अच्छा, कितनी जमीन है? जमीन हमारी 1 बीघा 15 विसे। कौन गिर रहा है? ये यादव लोग हैं और ठाकुर लोग हैं। किस जगह का मामला है? ये रामनगर। रामनगर कब से चल रहा है केस अदालत? केस में चलते हैं तो सब 5-6-7-8-10 साल हो गया। तो पुलिस रोकती नहीं है? पुलिस नहीं रोकती, भूमाफियाओं को किसी को नहीं रोकती, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे हैं जाँच बैठा लेंगे। कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जस्ट वन टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।